మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. Today, I will teach you about the star delta transformer, which is very important topic for competitive exam of all student. I mean to say कि आज हम star delta transformer का study करेंगे और यह हर competitive exam के लिए बहुत ही useful video है, मतलब topic है. हम आपको ये बताना चाहते हैं, इस समय जो है ITI के बच्चों का competition exam है, मतलब उनके लिए vacancies आई हैं. ये जो वीडियो सीरीज चल रही है ये विशेषकर ITI वाले बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है. आप लोग को पर डे हमारी वीडियोस को देखिए, रोज़ एक वीडियोज अपलोड होता है, आप पर डे हमारे वीडियोस का देखिए और इसका एडवांटेज लीजिए. हाँ, जो भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि आपके सिलेबस में नहीं है आप उसको मत पढ़िए, लेकिन आप थोड़ा सा अगर डिफ़िकल्ट टॉपिक को कवर करते हैं तो जो आपके लिए ईजी है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा. जैसे एज एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए मिल्खा सिंह जब दौड़ता था तो प्रैक्टिस कैसे करता था, वो रेत में करता था, ताकि जितना ही कठिनाई से वो दौड़ेगा जब उसको आसान वे मिलेगा, इजी वे मिलेगा, तो और इजीली वो फास्ट दौड़ सकेगा. तो देखेंगे कि वो रेगिस्तान में कैसे दौड़ता था, और पीछे जो है पहिया अपने बांध लेता था, उस तरह से दौड़ता था. मतलब क्या है कि अगर किसी वर्क को करना है तो उससे डिफ़िकल्ट वर्क वो करिए, तो जो वर्क आप करेंगे वो और ही इजी हो जाएगा. तो आप जो टॉपिक आपको पढ़ना है आप वही पढ़िए, अगर उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको मिल रहा है तो उसको आप ज़रूर लीजिए. ऐसा नहीं है एग्ज़ाम में आपके सिलेबस का ही अब आ रहा है, एग्ज़ाम में आपके सिलेबस के स्टैंडर्ड वो एवब चीज़ें भी पूछी जा रही हैं, इसलिए सबका एडवांटेज लीजिए. और अगर हम आप हमारा साथ देंगे, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, तो हम कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे और सारे सब्जेक्ट पर सारा वीडियो बनाएंगे. और इसी में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ दिया करेंगे. ऐसा मत सोचिए कि ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ाएंगे, जब हम थियोरी कुछ कवर कर लेंगे तो बाद में ऑब्जेक्टिव सीरीज भी चलाएँगे, जिसमें जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड केवल ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम ही होंगे. तो टूडे and now I am going to start. Before studying about the star delta transformer, you have to study about the some problem which has been given before you. You have to solve this type of problem. हमें जो है इस तरह के प्रॉब्लम को यहाँ सॉल्व करना है, इसके बाद हम स्टार डेल्टा को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है. इसलिए इन दोनों को हम कवर करने के बाद हम जो है आगे स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर का स्टडी करेंगे. यहाँ देखिए, यहाँ पे रेसिस्टेंस तो दिया हुआ है, 10 ओम का रेसिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है. अब फिर क्या किया गया है, एक वायर से इसको आसपास इसके क्रॉस कनेक्ट कर दिया गया है. तो क्या आप देख रहे हैं, जब ये रेसिस्टेंस को एक क्रॉस हम वायर लगा देंगे तो होगा क्या कि ये रेसिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा. आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, आपकी सर्किट में रेसिस्टेंस लगाए हैं और उसके क्रॉस आप एक तार ला कर के जोड़ दीजिए, तो देखेंगे उसका दोनों सिरा आपस में मिल जाएगा और उसमें हाईली करंट फ्लो होगी और वो जो है क्या हो जाएगा, जल के ख़त्म हो जाएगा. जब जल जाएगा, फूक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस कुछ रहेगा नहीं रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हाँ इसके क्रॉस जो रेसिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा. यहाँ चाहे कितना हूँ ओम का रेसिस्टेंस हो, अगर उसको आप शॉर्ट कर दें तो फूक गया, ख़त्म हो गया. जब ख़त्म हो गया तो उसके क्रॉस कोई रेसिस्टेंस नहीं बचेगा. इस पॉइंट को आप नोट करिएगा, ये आरबीयूनल में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आरबीयूनल में पूछा गया है. ये भी क्वेश्चन किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ही पूछा गया है. यहाँ जैसे देखने को लग रहा है तो स्टार में है, ये तो डेल्टा में है, स्टार में भी बीच में लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये. इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं. यहाँ देखिए, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये आप ये समझिए कि सारे समझिए ना जानिए, यही है, ये है एक्चुअल में, ये सब वायर हैं, ठीक है. इस वायर को आप अपने सुविधा के अनुसार एडजस्ट भी कर सकते हैं, फिर भी करेंट फ्लो होगी. आखिर मैं फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना स्केलर क्वान्टिटीज है, इसीलिए ना है हम इस वायर को 90 डिग्री पर, 60 डिग्री पर या 180 डिग्री पर, किसी डिग्री पर कैसे भी मोड़ें, रिजल्टेंट करंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यानी डिग्री चेंज हो गई वायर की
तो रिजल्टेंट करंट भी इफेक्टिव हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए तो यह एक्सकेलर क्वांटिटीज के अंडर में आता है। तो यहाँ देखिए, इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम बाहर, इसको निकाल के बाहर कर देते हैं और इसको खोल करके हम इधर कर देते हैं। ठीक है, इसको निकाल के बाहर कर दिए, तो यहाँ देखिए थोड़े समय के लिए इसको हमने क्या किया, निकाल करके बाहर कर दिया। ये ऐसे है, इसको हम खोल करके बाहर कर देते हैं। इसको हमने ऐसे ऐसे पकड़ा, उठा के खोल के बाहर कर दिया, तो इस तरह से आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसको अगर आप चाहें तो एक दूसरे तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये और भी ऐसे हो गया, यहाँ भी रेसिस्टेंस है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसको जो है ऐसे रोटेट करा दीजिए, जब रोटेट कराएंगे तो इस तरह से वीडियो, इस तरह से आपका इमेज बन जाएगा। अब ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये सब हो गए आपके क्या, आर आर आर। देखिए ध्यान से, पहले हमने इसको क्या किया, इसको बाहर किया, इसको नीचे किया और फिर इसको ऐसे हमने 90 डिग्री रोटेट करा दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह से आपका फिगर बन गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो ऊपर वाला हम इसको साफ कर देते हैं। बन के हैं, रुके रुके, अब देखिए यहाँ पे ये आर, ये भी आर, इनका रेशियो आप निकालेंगे तो दोनों क्या आएगा, सेम आएगा, तो ये व्हीच स्टोन ब्रिज जैसा बन गया। अब इस यहाँ पे सेम पोटेंशियल जनरेट होगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होने से करंट फ्लो होगा ही नहीं। अगर मान लीजिए आपके घर में अगर फेज न्यूट्रल के जगह पर दो फेज ही हो जाए तो करंट फ्लो होगा, क्योंकि वोल्टेज दोनों समान हो जाएगा। वायर में एक पॉजिटिव नेगेटिव ना हो डीसी सर्किट में तो करंट फ्लो होगा नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूरी है करंट फ्लो होने के लिए। इसलिए जब यहाँ सेम पोटेंशियल हो जाएगा तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा ही नहीं, ये ब्रांच रिडक्टेंट हो जाएगा, इस ब्रांच को हम छोड़ देंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए और फिर दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आर आर सीरीज में हो गया, तो यहाँ ये टू आर हो गया, अब फिर यहाँ आर और आर सीरीज में हो गया, तो यहाँ पे आर और आर सीरीज में हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, टू आर हो गया। ठीक है, तो यहाँ ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसके क्रॉस हमको निकालना है, तो यहाँ हम आर ए बी करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू आर इंटू टू आर। ठीक है, अब फिर इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, डायरेक्ट निकालने का ये तरीका है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर आर, फोर से फोर कटा, आर से आर कटा। इस प्रकार आपने देखा इन दोनों के बीच टोटल रेसिस्टेंस भी कितना हो गया, आर होगा हमारा। हम जहाँ तक सोच सकते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम मिटाते हैं इसको। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे इसके अक्रॉस हमको टोटल रेसिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो टोटल रेसिस्टेंस का कैलकुलेशन हम यहाँ कैसे करेंगे, देखने जैसे ये देख रहे हैं उसी तरह से हम इसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, तो हमें ए और बी के अक्रॉस टोटल रेसिस्टेंस हमको मिल जाएगा। ओपन हम कैसे कर रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर तीन रेसिस्टेंस दिखाया गया है, एक्स वन से एक वायर आकर के बी से जुड़ा है, ए से एक वायर आकर के एक्स टू से जुड़ा है, तो इसी तरह से हम इसको यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों वायर को, मतलब इसे एक्स वन को और इसे एक्स टू को हमने एक जगह पे बना दिया, यहाँ बना दिया और यहाँ बना दिया, दिख रहा है ना। अब जैसे जैसे जो है वैसे वैसे हम इसको क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक्स वन किस से कनेक्ट है, ए से कनेक्ट है, तो एक्स वन जो है ए से कनेक्ट है, तो एक्स वन ए के बीच 6 ओम का रेसिस्टेंस है, हमने 6 ओम का रेसिस्टेंस डाल दिया। फिर देखिए ए और बी के बीच टोटल कितना ओम का रेसिस्टेंस है, तो ए और बी के बीच भी 6 ओम का रेसिस्टेंस है, तो हमने 6 ओम का रेसिस्टेंस डाल दिया। फिर देखिए बी और एक्स टू के बीच कितने ओम का रेसिस्टेंस है, तो बी और एक्स टू के बीच भी 6 ओम का रेसिस्टेंस डाल दिया।
ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखें, इस तार को थोड़ा सा हम बढ़ावें तो आपको क्या दिखेगा, ये तीनों रेसिस्टेंस आपस में एक दूसरे के एक क्रॉस जुड़े हुए हैं, जो पैरेलल कनेक्शन के कंडीशन होता है। ठीक है, सारे रेसिस्टेंस एक दूसरे के क्या जुड़े हैं, एक क्रॉस जुड़े हुए हैं, मतलब पहला सिरा पहले से, दूसरा सिरा दूसरे से, पहला सिरा पहले से, दूसरा सिरा दूसरे से, इस प्रकार से तीनों का कनेक्शन हुआ है। मतलब आप चाहें तो इन तीनों को ऐसे जो है जोड़ सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपका 6 6 6, और तब हमको ए और बी के क्रॉस टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, आर ए बी के क्रॉस, यानी कि 1/RAB बराबर क्या होगा, 1/6 + 1/6 + 1/6, तो 1/RAB बराबर क्या हो जाएगा, 3/6, तो ये कटेगा, क्या हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ से अगर आर ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। इस प्रकार से आपका इक्विवेलेंट ए और बी के क्रॉस टोटल रेसिस्टेंस बहुत ही इजी वे में फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम चलते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर पर। हाँ, अब हम स्टडी करेंगे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमको अगर स्टार को डेल्टा में, डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसका हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ जो है देखिए स्टार कनेक्शन, ये होता है आपका स्टार कनेक्शन। ये पॉइंट मान लीजिए ये है, बी है, सी है। हम बता देते हैं यहाँ आपको कि वास्तव में इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी स्टार की। जैसे सिंगल फेज सप्लाई फेज और न्यूट्रल तो हमारे पास होता ही है, तो सिंगल फेज में वो कितना मिल जाता है, बहुत मिल जाता है, 220 वोल्ट सप्लाई मिल जाती है। और सिंगल फेज मोटरें जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, ड्यू टू पल्सेटिंग टार्क। तो इसीलिए जो है थ्री फेज सेल्फ कनेक्शन बनाया गया, तो थ्री फेज में आपको वोल्टेज भी ज़्यादा मिल जाती है, मशीनें भी सेल्फ स्टार्ट मिल जाती हैं, और मशीनों का साइज भी कम हो जाता है, वो सस्ता भी हो जाती हैं, बहुत सारे एडवांटेज हो जाते हैं थ्री फेज सिस्टम के। तो अब तीन फेज में हमें तीन वायर चाहिए, अब तीन वायर को कैसे जोड़ेंगे, जैसे नहीं तो ऐसे नहीं हम गठिया देंगे। इन तीन फेजों को जोड़ने का एक क्रम होता है, एक होता है स्टार, एक होता है डेल्टा। तो इसी तरह से तो स्टार कॉम्बिनेशन कनेक्शन क्या होता है, इस प्रकार से होता है। देखिए जैसा आपके सामने फिगर बनाया गया है, इमेज बनाया गया है, इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टार कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तीन वायर इस तरह से कनेक्ट हैं, तीन में रेसिस्टेंस होगा ना, तो उसी रेसिस्टेंस को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है ना, और दूसरा कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा, अभी हम दिखाएं। मतलब दो तरह से इन तीन वायरों को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला हम स्टार बता रहे हैं, उसके बाद हम आपको क्या बताएंगे, डेल्टा बताएंगे। तो यहां देखिए ये आपका स्टार है, यहां पर रेसिस्टेंस मान लीजिए आर ए है, यहां पर रेसिस्टेंस मान लीजिए आर बी है, यहां पर रेसिस्टेंस मान लीजिए क्या है, आर सी है। अभी देखिए, अब देखिए मान लीजिए इसी स्टार को हमें डेल्टा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन, ये तीनों फेजों का कॉम्बिनेशन डेल्टा कनेक्शन कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका आर ए बी, ये हो गया आर बी सी, ये हो गया आर सी ए। मतलब आपका आर ए, आर बी और आर सी का मान दिया गया रहेगा, आपको आर ए बी, आर बी सी, आर सी ए का मान निकालना होगा। आपको मान लीजिए आर ए बी का मान निकालना है, आर ए बी का, बहुत आसान है, इनको अलग अलग कर दीजिए, आर ए प्लस आर बी, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए आर ए इंटू आर बी, और जो बच रहा है उसको नीचे पुट कर दीजिए। इसी तरह से इसका फार्मूला निकल के आ जाएगा। अगर आपको आर बी सी निकालना हो तो आर बी प्लस आर सी प्लस आर बी इंटू आर सी, नीचे आर ए कर दीजिए। अगर आपको आर सी ए निकालना हो तो आर सी प्लस आर ए प्लस आर सी इंटू आर ए, जो बच रहा है उसको हम नीचे रख देंगे। इस तरह से आर ए बी, आर बी सी, आर सी ए तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी। ठीक है, अगर डिफरेंट डिफरेंट मान इनके दिए गए हैं तो इस तरह से इस पर आपको निकल जाएगा। मान लीजिए लेकिन कंपटीशन एग्जाम में यह वैल्यू डिफरेंट 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 शायद ही कहीं दिया रहता है, मैक्सिमम जो है सेम वैल्यू का ही ये प्रॉब्लम बनते हैं इस पर। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि एक स्टार कनेक्शन है, यहाँ पे
ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, सी हो गया, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये मान लीजिए 6 ओम दे दिया, ये भी 6 ओम दे दिया, ये भी आपका 6 ओम दे दिया, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि इसको आप किसमें बदलिए, डेल्टा में बदलिए, ठीक है ना। कितना कितना होगा, ए बी सी, मतलब आर ए बी निकालिए, निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, आर ए, ये क्या हो जाएगा आर बी, ये क्या हो जाएगा आर सी, तीनों सेम है, ठीक है। तो अलग अलग 6 + 6 + 6 × 6 / 6 कटा, कितना आया, 18 आया, 18 ओम आ गया ना। आर ए बी देखिए, यहाँ 18 ओम आ गया। अब इसी तरह से आप आर बी सी निकालेंगे, देखिए आप आर बी सी निकालेंगे तो इसी प्रकार से जैसे इसका निकला है उसी तरह से आर बी सी आप निकालेंगे तब भी आपका इतना ही है, 18 ओम ही आएगा। फिर अगर आप आर सी ए निकालेंगे तब भी आपका क्या आएगा, 18 ओम ही आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप क्या देखें कि जब रेसिस्टेंस इस तरह से स्टार में जुड़े होते हैं और उनको जब डेल्टा में कन्वर्ट करना होता है तो इसके 3 मल्टीपल हो जाते हैं। कितने मल्टीपल हो जाते हैं, इसी के 3 मल्टीपल होते हैं। तो बहुत ही इजी है इसको सॉल्व करना। यहाँ से मान लीजिए स्टार में कोई प्रॉब्लम दे दिया, उसको बोले डेल्टा में डेल्टा इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो डेल्टा इक्विवेलेंट वैल्यू आपको सीधे 3 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको मान निकल के चला आएगा, ठीक है ना। देखते हैं इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है। तो देखिए, तो इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने दिखा रहा है, स्टार कनेक्टेड लोज इज शोन इन द फिगर, द इक्विवेलेंट डेल्टा कनेक्शन हैज अ वैल्यू ऑफ आर इन ओम। ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार में इस तरह का आपका कनेक्शन दिया गया है, जब इसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो इस आर का मान कितना होगा, यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है ना। स्टार में है, देखने में कितना लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन है बहुत ही ईजी, क्योंकि वैल्यू क्या है, दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए जब स्टार को आप डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो सीधे इसका क्या हो जाएगा, 3 मल्टीपल हो जाएगा। अगर आपको इस डेल्टा आर निकालना है तो 3 × * r हो जाएगा, तो स्टार में कितना है, 10 है, तो कितना हो जाएगा, 30 ओम। तो विकल्प दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस ये इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा इससे बदल करके दूसरे क्वेश्चन पर हम टाइप देखते हैं कि अगर मान लीजिए इंडक्टर में अगर स्टार कनेक्शन है उसको डेल्टा में करना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, नथिंग, यही फार्मूला आपको यूज करना है, 3 मल्टीपल इसको उसको भी आपको करना है। लेकिन अगर कैपेसिटर स्टार में हो और उसको डेल्टा में करना हो तो 2/3 हो जाता है, इसके उल्टा हो जाता है, 3 का मल्टीप्लाई नहीं हुआ, 3 का डिवाइड करना पड़ता है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मतलब अगर इंडक्टर रहेगा तो यही प्रोसेस होगा, अगर यहाँ पे कैपेसिटर हो जाएगा तो हम 3 का मल्टीप्लाई करने के जगह पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब इस तरह से संबंधित भी क्वेश्चन अब आगे देख रहे हैं कि इसको इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर इंडक्टर दिया हुआ है, और ये पूछा जाए कि जब इसको इस डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तब इसकी वैल्यूज क्या होंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, अब जैसे आप रेसिस्टेंस के केस में सॉल्व किए थे उसी तरह से इंडक्टर के केस में आप सॉल्व कर लेंगे। मतलब आपको डेल्टा में निकालना है, यहाँ पर आपका इंडक्टर है तो इसका भी वही फार्मूला होगा, स्टार में इंडक्टर हो जाएगा, स्टार में कितना है 6 तो डेल्टा में भी होगा 18, तो यहाँ भी 18, यहाँ भी 18 और यहाँ भी 18 हेनरी हो जाएगा, ठीक है ना। है बहुत ईजी है ना। अब देखिए यहाँ पे 9 माइक्रोफेरड का 3 रेसिस्टेंस जो है यहाँ पे आप देखिए किसमें कनेक्ट हुए हैं, स्टार में, इनको डेल्टा में करना, तो यही आपको समझना है कि जब इसको हम डेल्टा में करेंगे तो इसका 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका 1/3 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है, डेल्टा में कैपेसिटेंस निकालना है, तो इसका 1/3 स्टार में कैपेसिटेंस हो जाएगा, तो 1/3 स्टार में कितना है, 9, तो यहाँ 3 से 3 में कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 3 माइक्रोफेरड हो जाएगा। इस प्रकार से आपका डेल्टा में रेसिस्टेंस का मान आपको क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, चाहे यूनिट कुछ में दिए हो, फेरड में दिए तो फेरड हो जाएगा, माइक्रोफेरड में है तो माइक्रोफेरड हो जाएगा। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि अगर सेम वैल्यू का
स्टार में है तो ईजिली क्या होगा, डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको तीन फार्मूला और स्टडी करना है, जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कि अगर आपको रेसिस्टेंस है डेल्टा में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/3 स्टार आर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से एल भी है तो यहाँ इंडक्टर भी है तो इसी तरह से हो जाएगा, लेकिन अगर कैपेसिटर है तो उसका कैसे हो जाएगा, वन बाई थ्री नहीं होगा, मल्टीपल थ्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री कर दीजिए, यहाँ पे भी थ्री होगा और यहाँ पे भी थ्री होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी की वैल्यू जो भी है, ठीक। तो ये आपका शॉर्ट फार्मूला है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको अब डेल्टा से स्टार कन्वर्ट करना है तो इसी तरह से मान लीजिए स्टार में कन्वर्ट करना है, डेल्टा है तो 1/3 डेल आर हो जाएगा, और यहाँ भी आपका यल के केस में भी है तब भी आपका ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन कैपेसिटर के केस में है तो 3 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका, ये आपका स्टार टू डेल्टा है, ये आपका क्या है, डेल्टा टू स्टार है। तो इस तरह से आप इतना ही फार्मूला याद कर लेंगे तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इजीली आप उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके। ठीक है, अब स्टार डेल्टा पे इस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने दिया हुआ है और ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी पर डिपेंडेंट हम क्वेश्चन आपको देंगे, आप उसको खुद सॉल्व करिएगा, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे पूछा रहा है अब ए और बी के इक्विवेलेंट टोटल रेसिस्टेंस दिखाइए, ठीक है ना। बीच में बनाए क्या है, स्टार बनाया है, अब बीच के ही स्टार को हम डेल्टा में कन्वर्ट करें, ठीक है ना, क्या करें, डेल्टा में कन्वर्ट करें। देखिए ये तो दिया हुआ ही है, इसी के बीच हमको रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना, अब बीच में जो स्टार है इसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है 2 ओम का है, तो जब इसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो 2, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 3 × 6 ओम, तो 6 ओम इसका डेल्टा इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ भी एक डेल्टा बनेगा, यहाँ भी एक डेल्टा बनेगा और यहाँ भी एक डेल्टा मिलेगा, तो यह बाहर वाला तो 2-2 दिया है लेकिन अंदर कितना हो जाएगा, 6, 6, 6। तो हमको जहाँ तक उम्मीद है समझ में ज़रूर आया होगा, हमने बीच के स्टार को किस में कन्वर्ट कर दिया, डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ देखिए 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो गए ना, तो जब इन दोनों का इक्विवेलेंट आप निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा 2 × 6, तो क्या हो जाएगा 12/8, इसको 4 से काटिए, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, यहाँ क्या हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे 1.5 हो जाएगा, तो यहाँ 1.5 ओम, यहाँ भी 1.5 ओम, यहाँ भी 1.5 ओम, यहाँ भी, यानी कि आपको इस तरह का एक सर्किट बनेगा, ये सी है, ये है, ये बी है, तो यहाँ 1.5 ओम, यहाँ भी 1.5 ओम, यहाँ भी 1.5 ओम। तो हमें इसके क्रॉस निकालना है, अगर इसको हम प्लस मान लें या माइनस मान लें, करंट फ्लो करवाएं तो यही करंट इसमें फ्लो हो गया, यानी दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, यानी दोनों ब्रांच सीरीज में हो गए। जब दोनों ब्रांच सीरीज में हो गए तो इजीली इनको ऐड कर लेंगे, जब ऐड करेंगे तो यहाँ तो 1.5 ही है, और इनको जब ऐड करेंगे तो ऐसे इनका इक्विवेलेंट निकल का आएगा, कितना आएगा, 3 ओम, यहाँ 1.5 है, हमें ए और बी का निकालना है। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, जब ये पैरेलल में हो गए तो इनका आर ए बी निकालना है, तो डायरेक्ट मेथड से फिर दोनों को ऐड कर लीजिए, तो यहाँ भी 4.5 आएगा और नीचे भी 4.5 आएगा, दोनों कट गए, 1 ओम इक्विवेलेंट, सब ओम में है, किस में है, सब ओम में है, ठीक है, आप ओम बना लीजिएगा इनको, ये सब ओम में है, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या देखा, प्रॉब्लम तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन इजीली में, इजी वे में ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। देखिए
ये प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन आपके सामने हम दिए हैं, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के एकदम तुल्य हमको टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस तरह के प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, हमको नहीं। ये बिल्कुल कैसे है, जैसे मैंने लगाया उसी की तरह बिल्कुल है ये, इसको आपको सॉल्व करना है। चार ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन कौन सही है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो सो राइट क्वेश्चन। जिसको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी वो हमें ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम स्टडी करने जा रहे हैं कि मान लीजिए कि रेसिस्टेंस आपका स्टार कनेक्टेड रेसिस्टेंस दे दिया गया है और आपसे ये कहा जाए अगर उसमें से एक रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाए तब इक्विवेलेंट कितना परसेंट पावर जो है डिक्रीज हो जाएगा। जब डेल्टा में हो तब कितना परसेंट डिक्रीज होगा और तब स्टार में हो तब कितना परसेंट डिक्रीज होगा। वी हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व, लिसन केयरफुली हियर। देखिए यहाँ स्टार कनेक्टेड रेसिस्टेंस दिया हुआ है और ये कहा जाए कि जब इसमें से एक रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। मान लीजिए इसमें से एक रेसिस्टेंस क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। ये वाला रेसिस्टेंस क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया। यहाँ इनके बीच जो है हम मान लेते हैं पॉइंट क्या है, आर है, वाई है, ठीक है ना। ये आर और सेम हो जाएगा इसलिए इसको ए और बी मान लेते हैं। ये ए है और ये क्या है, बी, ठीक है ना। अब हमको ये बताना है कि कितना परसेंट पावर जो है लॉस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये आपका क्या है, फेज है, ये क्या है, फेज है, ये क्या है, फेज है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो फार्मूला होता है पी का फार्मूला क्या होता है, वी इंटू आई, ये सभी लोग जानते हैं। और I बराबर होता क्या है, V बट्टे R, ये भी सभी लोग जानते हैं। तो फार्मूला क्या बचा, V स्क्वायर अपन R, बना नहीं बना, ठीक है। चूँकि यहाँ पे तीन फेज देख रहे हैं, ये एक दो तीन, तीन फेज देख रहे हैं, तो यहाँ जो है थ्री का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस प्रकार थ्री फेज का पावर फेज वोल्टेज के रिलेशन में मिल गया आपका P बराबर थ्री वी पी एच स्क्वायर अपन R। अगर इसको हमें लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो आप जानते हैं वी पी एच बराबर होता क्या है, वी एल बटे अंडर रूट तीन, ठीक है ना। क्या होता है, वी एल बटे अंडर रूट थ्री। हाँ, उस फार्मूले को हम याद करने का एक थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं। जैसे अभी इसके जस्ट पहले हमने फार्मूला पढ़ा कि अगर हमको डेल्टा में कोई चीज़ निकालनी है और स्टार में दिया हुआ है तो क्या किए थे हम, स्टार में जो भी वैल्यू थी उसका हम क्या कर रहे थे, थ्री का मल्टीप्लाई कर रहे थे, तब हमको डेल्टा की वैल्यू मिल रही थी। तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि मल्टीप्लाई किस में करना है, स्टार के वैल्यू में थ्री का कि डेल्टा के वैल्यू में थ्री का, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम इसको समझने के लिए बता देते हैं। जैसे हम जब स्टार को यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, डेल्टा में वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको इस तरह की वैल्यू निकालनी है, आइए इसे आपको मिला हुआ था, ठीक है ना। इस तरह इसे मिला हुआ था, आइए वैल्यू हमको निकालनी थी। यहाँ देखिए तीनों जगह खुला हुआ है ना, तीनों जगह खुला होने का मतलब ये है कि हमें इसके वैल्यू में थ्री ऐड करना पड़ेगा, तब तीन जगह से एक कवर होगा तो डेल्टा बनेगा। समझ में आ रही बात, तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि स्टार की वैल्यू में हमें तीन का मल्टीप्लाई इसीलिए करना पड़ेगा। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, कोई रूल नहीं है ये। अगर स्टार की वैल्यू आपको दी हुई है तो समझिए स्टार बनाने में हमको क्या लग रहा है, तीनों ओर से खाली लग रहा है, यानी कि तीन हम उसमें और ऐड करेंगे यहाँ पे तीनों जगह पे, तब ये डेल्टा में कन्वर्ट होगा, तो वैल्यू हमको बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि हमको डेल्टा बनाना हो तो हमें तीन वायर अलग से बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके डेल्टा के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा,
कि कैसे इसको हम याद रखते हैं। यहाँ देखिए तो यहाँ 3VPH स्क्वायर अपन आर हो गया पावर का फार्मूला, लेकिन हम इसको लाइन वोल्टेज में अगर चाहते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा VL अपन अंडर रूट 3 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा अपन आर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3VL स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा आर हो जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा VL स्क्वायर अपन आर हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका पावर का फार्मूला हो गया, ये लाइन वोल्टेज के संबंध में ये हो गया और फेज वोल्टेज के संबंध में ये हो गया जब रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो, ठीक है। इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए फार्मूला नहीं है, जब रेसिस्टेंस कनेक्ट हो तो इस तरह से आपका फुल फेज पावर का फार्मूला हो गया। लेकिन आफ्टर ब्रेकिंग मतलब टूटने के बाद, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर आफ्टर ब्रेकिंग, आफ्टर ब्रेकिंग का मतलब हुआ टूटने के बाद। टूटने के बाद अगर हम पावर मान लीजिए P1 है या पावर P2 हो गया, देखेंगे रेसिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा R और R एड हो जाएगा 2R हो जाएगा, यानी कि VL स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा, ठीक है। यार सीरीज में दोनों रेसिस्टेंस क्या हो जाएंगे एड हो जाएंगे। यहाँ पर आपका लाइन वोल्टेज मान लीजिए VL दिया हुआ है, तो अगर पावर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा VL स्क्वायर अपन 2R हो जाएगा। अब आपको डिक्रीमेंट निकालना है कितना परसेंट जो है पावर लॉस हुआ, तो इसके लिए आप क्या करेंगे P1 माइनस P2 अपान P1 इंटू 100, यही ना फार्मूला होता है कि जो लॉस हुआ वो लिख देते हैं और फिर इनिशियल वैल्यू लिख देते हैं और फिर 100 का मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज में निकालने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो P1 है ध्यान से देखिए, यहाँ पे P1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है VL स्क्वायर अपान R, अब फिर माइनस P2 की वैल्यू क्या दिया हुआ है VL स्क्वायर अपान 2R, और नीचे P1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है VL स्क्वायर अपान R इंटू 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसके लिए हम इसको मिटाते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ से यहाँ भी एल स्क्वायर आर कामन ले लेंगे तो यहाँ 1 माइनस इक्वल टू 2 होगा और नीचे भी एल स्क्वायर अपन आर है इंटू 100, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 बाई 2 इंटू 100 कितना आया 50, यानी कि जो पावर रिड्यूस होगा वो कितना परसेंट रिड्यूस होगा 50% रिड्यूस होगा इन द केस ऑफ स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में एक रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो इतना पावर क्या होगा रिड्यूस होगा इन द केस ऑफ सेम वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ओनली, अंडरस्टैंड। तो अब हम डेल्टा में स्टडी करेंगे कि डेल्टा कनेक्शन आपको दिया गया होगा उसमें अगर एक ब्रेक हो जाता है तो फिर पावर कितना रिड्यूस होगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टूडे, सो लिसन केयरफुली एंड सो केयरफुली, टेक एडवांटेज विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक। हाँ देखिए यहाँ आपके सामने स्टार कनेक्शन रेसिस्टेंस का दिखाया गया है और इसमें कहा जाए कि इसमें एक रेसिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है तो इसमें कितना पावर रिड्यूस होगा, ये भी जानिए, भी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस यहाँ पे दिया, यहाँ पे आप जानते हैं कि जो फेज वोल्टेज होता है वही लाइन वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होते हैं सेम होते हैं। थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज को, थोड़ा शार्ट में आप देखिएगा। मान लीजिए आपके गांव के बाहर जो है ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो ट्रांसफार्मर से 3 तार बाहर निकलते हैं, नहीं अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन है तब तो 4 तार निकलते हैं, यानी कि तार बाहर निकलते हैं और अंदर भी वाइंडिंग होती है। तो जब आप वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज नापेंगे तो वो फेज वोल्टेज कहलाएगा, और जो तार बाहर निकला हुआ है उन तारों में एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच वोल्टेज ना मेजर करेंगे तो वो लाइन वोल्टेज होगा। सिंपल सी बात है कि जो वायर दौड़ रहे हैं आपके खेत खलिहान में उनके क्रॉस वोल्टेज नापेंगे तो लाइन वोल्टेज होगा, और जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो बाइंडिंग की गई है उनके एक क्रॉस वोल्टेज नापेंगे तो फेज वोल्टेज होगा। अब बताइए, अब लाइन वोल्टेज जो है फेज से ही निकाला गया है तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से क्या होता है ज़्यादा होता है अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए यहाँ पे अब जो फेज वोल्टेज है उसी के क्रॉस लाइन वोल्टेज है, देख रहे हैं ना, तो यहाँ फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होगा सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ तो आपके 3 प्रकार के वोल्टेज मिलेंगे, देखिए यहाँ VL मिल गया,
यहाँ आपका VL मिल गया, फिर इन दोनों के क्रॉस VL मिल गया, ठीक है। तो यहाँ आप पावर P1 अगर देखेंगे तो होगा अंडर रूट 3 VL स्क्वायर अपान R, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पावर देखेंगे तो कितना पावर होगा, 3 VL स्क्वायर अपान R, ठीक है, बंद करिएगा। यहाँ पे ये 3 VL स्क्वायर अपान आर होगा, क्यों होगा 3 VL स्क्वायर अपान आर, VL 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 तीनों ऐड करेंगे 3 VL स्क्वायर अपान आर हो गया, P1 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ ये डिपेंड नहीं कर रहा, तीन रेसिस्टेंस है, दो रेसिस्टेंस है, टोटल वैल्यू आर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ एक ब्रेक हो गया, ख़त्म हो गया, तो यहाँ अगर आप देखेंगे पावर जो P2 होगा वो VL VL क्या हो जाएगा, 2 VL स्क्वायर, और नीचे क्या हुआ, सिंगल आर होगा, तो पावर इतना रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ परसेंटेज निकालिए तो क्या होगा, परसेंटेज देखिए कितना पावर लॉस होगा, तो यहाँ पे वही फार्मूला पी वन माइनस पी टू अपन पी वन इंटू हंड्रेड, तो पी वन क्या है, 3 वी एल स्क्वायर अपन आर माइनस 2 वी एल स्क्वायर अपन आर, आ नीचे क्या होगा आपका 3 वी एल स्क्वायर अपन आर इंटू हंड्रेड। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 में से 2 जाए वो एक हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी एल स्क्वायर अपन आर, यहाँ पे हाँ, फिर नीचे 3 वी एल स्क्वायर अपन आर इंटू हंड्रेड, तो ये दोनों कट जाएंगे तो क्या मिला, 1/3 इंटू हंड्रेड, कितना आएगा, 33.33%। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, अगर डेल्टा में रेसिस्टेंस है और उसमें से एक रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो 33.33% पावर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, 33.33 पावर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कि जब हम डेल्टा कनेक्शन में पावर कैलकुलेट करते हैं तो इतना पावर आता है, जब स्टार कनेक्शन में हमने किया था तो इतना पावर आया था। जिससे आप कैलकुलेशन क्या निकालते हैं कि डेल्टा कनेक्टेड में जो पावर लोड कंज्यूम करता है वो स्टार कनेक्टेड का 3 मल्टीपल होता है, इन द केस ऑफ रेसिस्टेंस ओनली, ठीक है, इक्वल रेसिस्टेंस, इन द केस ऑफ इक्वल रेसिस्टेंस ओनली, ठीक है। इस केस में ये जो पावर होता है इतना एक कंज्यूम करता है, डेल्टा में स्टार का 3 मल्टीपल, अगर आपको स्टार में निकालना हो तो डेल्टा का 1/3 होता है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि स्टार में एक लोड है जो आपका 30 किलोवाट पावर कंज्यूम करता है, ठीक है, तो ये जो है डेल्टा में कितना कंज्यूम करेगा, ठीक है ना, डेल्टा में कितना कंज्यूम करेगा, एक सिमेट्रिकल लोड है, ठीक है, जो 30 किलोवाट कंज्यूम कर रहा है तो डेल्टा में कितना कंज्यूम करेगा, ठीक है। डेल्टा में हमें क्या करना है, निकालना है, स्टार में दिया हुआ है, सीधे 3 अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना होगा, 90 किलोवाट होगा, ठीक है ना। अगर आपको डेल्टा में दिया हो कि डेल्टा में एक लोड है जो आपका 30 किलोवाट का पावर कंज्यूम कर रहा है डेल्टा में, तो स्टार में क्या होगा, सिमेट्रिकल लोड है तो स्टार में क्या होगा, तो स्टार में आप क्या करेंगे, डेल्टा का 1/3, क्या करेंगे, डेल्टा का 1/3 कितना होगा, 10 किलोवाट लोड होगा। इस तरह से बहुत ही टेक्निकल टिपिकल क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस पर आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। यही हमारी वीडियो समाप्त होती है, धन्यवाद।